नमस्कार, वेज कुकिंग विद अनु में स्वागत है आपका। आज मैं बनाने वाली हूँ व्रत में खाने वाले आलू टिक्की। ये टिक्की खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप इसे चाहे तो, अगर आप व्रत भी नहीं है तो ऐसे नॉर्मली भी आप नाश्ते में बना के इसे खा सकते हैं, और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो ये टिक्की बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 6 उबले हुए आलू। तो आलू को हम इस तरह से हाथों से ही मैश कर लेंगे। आलू को हमें एकदम से अच्छे से मैश कर लेना है। तो बिल्कुल अच्छे से आलू मैश हो गया है। टिक्की बनाने के लिए हमें और क्या-क्या चाहिए, तो ये देखिए, ये मैंने लिया है आधा कप मूंगफली, जिसको मैंने ड्राई रोस्ट करके दरदरा पीस लिया है, बहुत बारीक नहीं पीसा है। तो हम ये मूंगफली डाल देते हैं इसमें। 2 हरी मिर्च इस तरह से हम काट के ले लेंगे। ये आधा चम्मच मैंने लिया है अदरक का टुकड़ा, जिसको ग्रेट करके ले लिया है। नमक, आधा चम्मच नमक, आधे छोटे चम्मच यहाँ पे मैंने लिया है काली मिर्च, दरदरी कूट के ले ली है। और यहाँ पे लिया है आधे छोटे चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर। और यहाँ पे लिया है मैंने आधा नींबू का रस। तो सारी चीज़ों को एक बार हम मिक्स कर लेते हैं। और सबसे खास चीज़, इसमें हम ये आटा डालेंगे, व्रत वाला आटा है ये। मैंने कुट्टू का आटा लिया है, आप चाहे तो कोई सा भी आटा ले सकते हैं जिसे व्रत में खा जाता है, जैसे कि सिंघाड़े का आटा, राजगिरे का आटा, कोई सा भी आटा ले सकते हैं। तो ये आटा हम इसमें डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच आटा डाला है, बहुत ज़्यादा आटा नहीं डालें, सिर्फ इतना ही आटा डालें ताकि ये जो आलू है अच्छे से बाइंड हो जाए और फ्राई करते हुए जो है फटे नहीं। तो आटा डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सबसे लास्ट चीज, धनिया पत्ती, इसमें हम डाल देंगे धनिया पत्ती, इससे और बढ़िया टेस्ट आएगा। अब सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है, और इसकी हम छोटी छोटी गोलियां बना रहे हैं। तो बन जाएगा ये आराम से टिक्की, इसमें हमें और आटा डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये नहीं बन रहा है तो आप इसमें 1 चम्मच आटा और डाल सकते हैं। एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि नमक जो है मैंने सेंधा नमक लिया था, क्योंकि मैं टिक्की व्रत के लिए बना रही हूँ। तो आप अगर ऐसे नॉर्मली खाने के लिए बनाएंगे तो नॉर्मल नमक लेंगे, व्रत के लिए बनाएंगे तो सेंधा नमक यूज करना है इसमें। बाकी और भी ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप अगर व्रत में नहीं खाते हैं तो उसे आप नहीं डालें। बाकी और भी जो भी चीज़ें मैंने डाली है सब लगभग व्रत में खाने वाली ही डाली है। तो चलिए, अब इसकी हम छोटी छोटी टिक्की बना लेते हैं। थोड़ा सा हाथ पे हम घी लगा लेंगे। जितनी बड़ी बड़ी आपको टिक्कियाँ बनानी हैं, छोटी बड़ी, उस हिसाब से इसमें से आप डो ले लेंगे, और इस तरह से बहुत ही आसानी से ये बन जाएंगे। तो ये देखिए, किनारों से बिल्कुल भी नहीं फट रहे, मतलब कि इसमें सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट है। तो हम इस तरह से इतनी बड़ी बड़ी टिक्कियाँ बना लेंगे। ये फ्लैट रहनी चाहिए दोनों साइड से, ताकि तवे पे बिल्कुल अच्छे से टच रहे, तो अच्छे से सिकेंगे। तो इसी तरह से हम सभी को बना लेते हैं। तो इतनी टिक्कियाँ बना के हमने रेडी कर ली हैं, सभी को तो हम एक साथ फ्राई नहीं कर सकते हैं। तो ये जो इतनी बनी है, पहले इसे हम फ्राई करते हैं। ये फ्राई होती रहेंगी, उसके साथ साथ हम दूसरी टिक्की भी बनाते रहेंगे। तो चलिए फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम पैन में डालेंगे घी। घी को मेल्ट होने देते हैं। मैं टिक्की को सेल्फ फ्राई ही करूंगी, आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन ये मुझे ज़्यादा बेस्ट लगता है क्योंकि इसमें घी तेल बहुत कम लगेगा। इसे घी या तेल दोनों में फ्राई कर सकते हैं, मैं यहाँ पे घी में कर रही हूँ। पहले हम फ्लेम को हाई करके पैन को हीट कर लेंगे, उसके बाद हम लो टू मीडियम फ्लेम पे टिक्की को सेकेंगे। तो ये गर्म हो गया, एक एक करके टिक्की इसमें डालते हैं। तो 2 से 3 मिनट तक हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, एक ही साइड से इसे सिकने देंगे, उसके बाद हम इसे उलट पलट के सेकेंगे।
तो ये देखिए, अभी मैंने एक टिक्की को पलट के देखा है, लगभग अच्छे से सीख गई है ये, तो हम सभी को पलट देते हैं। तो बहुत ही बढ़िया कलर आया है, हमें टिक्की को इतना ही सेकना है और उस साइड से भी हम इसी तरह से सेक लेंगे। 3 मिनट तक बिल्कुल टच नहीं करना है, उसके बाद हम चेक करते हुए सेकेंगे। घी अगर कम लग रहा हो तो आप थोड़ा सा घी डाल सकते हैं साइड साइड से। थोड़ा सा हम इस तरह से घुमा देंगे टिक्की को, अभी हम इस साइड ही इसे सिकने देंगे। एक बार हम इन्हें पलट के देख लेते हैं कि नीचे साइड से ये कितना सिके हैं। तो ये देखिए, उस साइड से भी ये लगभग इतना ही सिक गए हैं। तो इसी तरह से 1-2 मिनट तक और हम इसे उलट पलट के सेक लेंगे, फिर उसके बाद ये बिल्कुल तैयार होंगे। तो बहुत ही बढ़िया कलर आ गया इनमें, अच्छा गोल्डन ब्राउन, और ये बहुत अच्छे से सिक चुकी हैं, तो इसे हम निकाल लेते हैं। सेम प्रोसेस से हम बची हुई टिक्की को भी फ्राई कर लेंगे। तो इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच घी। इसे भी अब हम सिकने देंगे आराम से 2 से 3 मिनट तक एक ही साइड से, फिर उसके बाद ही इसे हम पलटेंगे। तो चलिए, यहाँ पे हम बना लेते हैं अमृत वाली चटनी। तो ये चटनी बनाने के लिए देखिए मैंने क्या क्या लिया है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ती लिया है, धनिया को अच्छे से धो के ले लिया है, और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च, 2 टेबलस्पून मूंगफली का दाना भुना हुआ, और यहाँ पे लिया है 1/2 छोटे चम्मच नमक, सिंधा नमक है, और यहाँ पे मैंने लिया है 2 टेबल दही। तो हम इससे ही बहुत ही टेस्टी चटनी बनाएंगे, व्रत वाली चटनी। चलिए बना लेते हैं। तो ये देखिए, ये टिक्की और व्रत वाली चटनी बिल्कुल तैयार है खाने के लिए, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। आप भी इस रेसिपी को व्रत में जरूर ट्राई करेगा। व्रत में ही नहीं, आप इसे ऐसे भी बना के खा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।